रितेश तिवारी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं आप, टीएमसी के दावों में कितना दम नजर आ रहा है, क्योंकि नियमों के हवाले से चुनौती दी गई है स्वप्न दास गुप्ता की उम्मीदवारी को? ये नॉन इशू है, राजनीति लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस पिछड़ रही है, इसलिए नॉन इशू को इशू बनाने का प्रयास हो रहा है। पहली बात, स्वपन दास गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। स्वपन दास गुप्ता जी पिछले 2-3 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता के रूप में पश्चिम बंगाल के सभी सभा समितियों में अपना कंट्रीब्यूशन देते आए हैं। तो महुआ को आज जब वो स्वपन दास गुप्ता उम्मीदवार बने तब समझ में आया, और कानूनी रूप से अगर ये सही भी है जो वो कह रही है, मुझे पता नहीं है, मुझे कानून का बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं वकील नहीं हूँ, और अगर इसमें अगर कोई सच्चाई है तो उनको बहुत पहले बताना चाहिए था। आज नहीं, बहुत पहले कैसे बताना चाहिए था? स्वप्न दास गुप्ता को आपने उम्मीदवार तो अब बनाया है ना, तो अब ये बातें हो रही है। समीर जी, आपने दो बातें कही है। आपने कहा मनोनीत सदस्य को राजनीतिक पार्टी में जाने के लिए 6 महीने के अंदर जाना पड़ता है, या फिर वो अपने आप को स्वतंत्र रखना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य है, बीजेपी सभी सभाओं में उनकी उपस्थिति होती है, वो भाषण करते हैं, तो वो बीजेपी के नेता है, और इसके पहले देश ने ऑस्कर फर्नांडिस को नहीं देखा था क्या? हम तो देखते हैं। क्यों चुनौती दी जा रही है, किन नियमों का हवाला दिया जा रहा है, क्या टीएमसी चाहती है? समीर अब्बास जी, संविधान, एक मिनट रितेश जी, हाँ बोलिए। संविधान के 10th शेड्यूल के पैरा 2 और 3 का हवाला है। जब प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड राज्यसभा के वो बनते हैं मेंबर, तो उसमें रूल है कि 6 महीने के बाद अगर वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल खड़ा हो जाता है। लीगली इसी पॉइंट को रेज किया जा रहा है, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो उन्होंने पहले क्यों नहीं ये बात उठाया। देखिए, बात तो जब उठेगा जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, नॉमिनेशन राज्य एमएलए चुनाव के लिए। तौसीफ अहमद खान साहब की ऑलरेडी स्वप्न दास गुप्ता बीजेपी से अपने जुड़ाव को जाहिर कर चुके हैं, सदस्यता ले चुके हैं, राज्यसभा में इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे चुके हैं, फिर भी ये मामला बनता है क्या? नहीं, सवाल तब खड़ा होता है कि उन्होंने राज्यसभा ज्वाइन किस तरीके से किया था। हाँ, मनोनीत सदस्य थे 2016 में। हाँ, तो वो उसको ही देखा जाएगा कि वो किस तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया था। वो तो नॉमिनेटेड थे, ऐसा तो नहीं है कि वो बीजेपी द्वारा उन्होंने ज्वाइन किया, वैसा तो नहीं है राज्यसभा। फिर इन सारे बातों का तो मतलब नहीं रहता। 10th शेड्यूल संविधान का बहुत क्लियरली है, क्लियरली ये सारी बातें कहता है। तो अगर बीजेपी चाहते हैं, देखिए हो ये रहा है कि बीजेपी के पास में प्रत्याशी है ही नहीं बंगाल में, वो कहां से लाएंगे चेहरे? तो वो बीजेपी इस तरह के लास्ट चलिए, ये एक अलग बात है, ये एक अलग मुद्दा है, ये तो इसका ये मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर नियम कायदों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।